हेलो एवरीवन, विशाल हियर। तो गाइस, ऐसा मैं एक्सप्लेन करेंगे प्राउड स्वॉर्ड्समैन एपिसोड 64। तो अगर आपने हमारे किसी एपिसोड को मिस कर दिया तो एक बार चैनल की प्लेलिस्ट को चेकआउट जरूर करें। देन विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो लीफ याओ होता है वह स्वॉर्ड्स आर्ट में गार्डन में बैठ कर कल्टिवेशन कर रहा होता है। तभी उसको इल्यूजन होने लगता है और उस इल्यूजन में हमें दिखाया जाता है कि जो ओल्ड मैन होता है वो लीफ याओ को बता रहा होता है कि जो तुम्हारे हाथ में स्वॉर्ड है वह लिंगजियांग स्वॉर्ड है और ये वर्ल्ड की सबसे पावरफुल स्वॉर्ड है। उसके बाद जो ओल्ड मैन होता है वो लीफ याओ को डीमन किलियन से फाइट करने के लिए ले जा रहा होता है। उसके बाद जैसे लीफ याओ जिनसियांग से बाहर निकलता है, उसके पास फॉक्स गर्ल आती है और कहती है, लीफ याओ तुम मुझे भूल गए थे क्या और तुम्हारा इतना लेट क्यों लग गया। उसके बाद वो उसके हाथ में स्वॉर्ड देखकर कहती है, लीफ याओ तुम्हें तो स्वॉर्ड मिल गए, तुम मुझे दिखाओगे नहीं। उसके बाद जो लेडी मास्टर होती हैं वह तुरंत फॉक्स गर्ल पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देती हैं और उस स्वॉर्ड के अटैक में जो फॉक्स गर्ल होती है वह काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाती है और मर भी जाती है। उसके बाद लीफ याओ को यह देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और काफ़ी दुखी भी हो जाता है और तुरंत फॉक्स गर्ल के पास जाता है और स्वॉर्ड को निकाल कर फेंकता है और उसकी पल्स को पहले चेक करता है। उसके बाद लेडी मास्टर से पूछता है कि तुमने मेरी दोस्त को क्यों मारा। उसके बाद लेडी मास्टर कहते हैं कि कोई भी डीमन किसी का दोस्त नहीं हो सकता। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो लीफ याओ होता है वो स्वॉर्ड शार्प में बैठ के कल्टिवेशन कर रहा होता है और ये एक सब इल्यूजन होता है और ऐसा क्यों हो रहा होता है इसके बारे में आपको लास्ट में बताऊंगा। उसके बाद जो लीफ याओ होता है वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो चुका होता है और उसे ये पता नहीं होता कि ये सब रियल है या सपना। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो लीफ याओ होता है वो स्वॉर्ड शार्पनर गार्डन में बैठ कर कल्टिवेशन कर रहा होता है और ये सब जो देख रहा होता है इल्यूजन होता है। उस इल्यूजन को लीफ याओ काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा होता है तोड़ने के लिए, पर वो इसमें कामयाब नहीं हो पा रहा होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो लीफ याओ के आसपास जितने भी स्वॉर्ड शार्पनर गार्डन में स्वॉर्ड होती हैं वह उस पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाती हैं और उस पर शरीर में वाइब्रेशन होने के कारण वो हवा में उड़कर लीफ याओ पर एकदम तन जाती हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लीफ याओ फिर से उस इल्यूजन में पहुंच चुका होता है। उसके बाद लीफ याओ को अजीब सी आवाज़ें आती है। उस आवाज़ में यह बताई जाती है कि डीमन गर्ल बहुत ही खतरे में है और तुम डीमन गर्ल को कब बचाओगे, जब सारे डीमन्स मर जाएंगे तब बचाओगे क्या। उसके बाद लीफ याओ को जैसे ही होश आता है वह तुरंत डीमन गर्ल को बचाने के लिए उसके पास पहुँचता है और जैसे उस पर मास्टर अटैक करने वाले होते हैं लीफ याओ रोक लेता है। और गाइस, इस मास्टर का मुझे नाम नहीं पता, आप पता है तो मुझे कमेंट जरूर कर दे। उसके बाद लीफ याओ गुस्से में कहता है कि तुम मेरे दोस्त को नहीं मार सकते, हिम्मत है तो आकर मार कर दिखाओ। उसके बाद जो मास्टर होते हैं वो लीफ याओ के हाथ में लिंगजियांग स्वॉर्ड को देखकर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो चुके होते हैं और कहते हैं कि ये तो वर्ल्ड की सबसे पावरफुल स्वॉर्ड है। उसके बाद जो मास्टर चांगसेंग होते हैं वो आते हैं, कहते हैं, लीफ याओ ये तुम क्या कर रहे हो। और गाइस, ये क्या हो रहा है मैं आपको बता देता हूँ कि जो लीफ याओ के पास डेविल स्वॉर्ड है वो इल्यूजन क्रिएट कर रही है और उसकी पावर लीफ याओ पर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रही है और जो रियल स्वॉर्ड है वो अभी एक्टिवेट नहीं हुई है और उसकी फुल पावर को लीफ याओ भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। मतलब लीफ याओ के पास जो डेविल स्वॉर्ड है और जो रियल स्वॉर्ड है, मतलब जो अच्छाई की स्वॉर्ड है, उन दोनों की पावर को लीफ याओ बैलेंस नहीं कर पा रहा है और डेविल स्वॉर्ड की पावर काफ़ी ज़्यादा होने के कारण वो लीफ याओ को अपने कंट्रोल में करना चाहती है, इसीलिए वो इसे ऐसे ऐसे इल्यूजन दिखाते हैं। तो इस इल्यूजन में क्या हो रहा है, तो चलिए आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। उसके बाद जो डीमन गर्ल होती है लीफ याओ से मदद मांगती है और कहती है, लीफ याओ मैं मरना नहीं चाहती। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो ह्यूमंस होते हैं वह जिनसियान के गेट कीपर को भी लाते हैं। और गाइस, अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा तो जिनसियान का जो गेट कीपर था वो भी एक डेमन था और वो एक डेमन टर्टा था। उसके बाद जो ह्यूमन होते हैं उस गेट कीपर को भी मार देते हैं और गेट कीपर उनसे मदद मांगने की कोशिश कर रहा होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो लीफ याओ के पास स्वॉर्ड होती है वह इसे कोच मतलब एकदम मारने आ चुकी होती है। उसके बाद जो लीफ याओ होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और जो ह्यूमंस होते हैं वह चिल्ला रहे होते हैं उसके सामने कि लीफ याओ सारे डीमंस को मार दो और हमारे राजा बन जाओ। और जो सारे ह्यूमंस होते हैं वह चिल्ला रहे होते हैं कि लीफ याओ डीमंस को मारो, डीमंस को मारो। और इसके बाद लीफ याओ काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और उसे काफ़ी ज़्यादा सिर में पेन भी होने लगता है। उसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है और लीफ याओ को दिखाया जाता है जो स्वॉर्ड शार्पनर गार्डन में बैठकर कल्टिवेशन कर रहा है। उसे सारी स्वॉर्ड लगने वाली होती है पर रियल स्वॉर्ड एक्टिवेट होकर उसे बचा लेती है और वहाँ काफ़ी ज़्यादा बड़ा धमाका होता है
और गाइस अगर आपको इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसका नेक्स्ट एपिसोड कभी भी अपलोड हो सकता है। और गाइस अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो मुझे फॉलो कर लें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आप मुझे 10 बंदे फॉलो कर देते हैं तो मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा। थैंक यू, बाय बाय।